गोरखपुर में एक गाय का एक्सीडेंट हुआ है, और गाय का एक्सीडेंट होने के बाद यहाँ पर कुत्ते और कौवे नोच नोच कर खा रहे हैं। तो इस विषय में हमने जब डीएम से बात किया तो डीएम साहब ने कहा कि चलिए देखते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं गोरखपुर में, और ये गोरखपुर से आजमगढ़ ये मार्ग है, और मैं आपको एक तस्वीर दिखाऊंगा जिस तस्वीर को देखकर आप शायद हैरानी में पड़ जाएंगे। जिनको हम गौ माता कहते हैं, पूजनीय हमारी, हमारे हिंदू धर्म में पूजनीय माना जाता है उनको, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा। थोड़ा सा इधर दिखा दीजिए एक बार, मैं करीब से चलकर दिखाऊंगा कि वहाँ पर गौ माता का किसी हादसे में मौत हो गया, और बीच रोड पर कुत्ते और कौवे लगे हुए हैं, नोच नोच कर खा रहे हैं। लेकिन बगल में ही मात्र 100 मीटर वहाँ से दूरी होगी, मुझे लगता है कि यहाँ पे इस समय हिंदू धर्म का नवरात्र का दिन चल रहा है, नवरात्र का महीना चल रहा है। आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर भी माता जी का मंत्रोच्चार के साथ स्मरण किया जा रहा था अभी, और यहाँ पर हज़ारों लोग आते होंगे, लेकिन शायद हमें लगता है कि किसी की नज़र नहीं पड़ी। बस लोग कहते हैं, हिंदू धर्म में लोग कहते हैं कि गौ माता, लेकिन गौ माता की स्थिति मैं आपको दिखाऊंगा पास से चलकर। और एक चीज़ मैं दिखाऊं, यहाँ पे तकरीबन मैं आधे घंटे से मौजूद हूँ। यहाँ से गोरखपुर की मैं बात करूँ तो गोरखपुर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी शायद आज आने वाले हैं गोरखपुर में, और यहाँ से भाजपा का झंडा लगा हुआ, कई गाड़ियां इस रास्ते से गुजरी, और हम लोग जब रोकने का प्रयास कर रहे थे तो कोई भी गाड़ी नहीं रुकी, क्योंकि उनको पता था कि ये मीडिया वाले हैं। अभी हमसे सवाल करेंगे कि आखिर ये क्या हो रहा है गौ माता के साथ। रोड से जो लोग इस रास्ते से गुजर रहे हैं, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये बीचों बीच रोड के जो हादसा हुआ है गौ माता का, यहाँ पर उनके हादसे में मौत हो गई है बीचों बीच रोड पर। अगर यहाँ पर आसपास के लोग भी यहाँ से गुजर रहे हैं तो सोचिए किसी की भी जान जा सकती है। गौ माता की तो जान जा चुकी है, लेकिन अगर शायद टक्कर लगेगा किसी बाइक से या किसी बड़ी गाड़ी से तो शायद और किसी की भी जाने जा सकती है। क्या लोगों को इंतज़ार है इसी का? क्या किसी कोई जिम्मेदारी यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है? कहाँ है वो जिम्मेदार लोग? बात गोरखपुर की हो रही है, मैं गोरखपुर में खड़ा हूँ। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर गोरखपुर में, जहाँ पर बड़ी बात की जाती है, सत्ताधारियों की सियासत होता है इसी पर, गौ माता पर धर्म के नाम पर सियासत किया जाता है कि आखिर हिंदू धर्म मुस्लिम धर्म, इन्हीं चीज़ों पर सियासत होती है सत्ता हासिल करने के। दादा क्या नाम है आपका? अच्छा नाम मत बताएं। देख रहे हैं गाय वहाँ पे मरी हुई है। कब की मरी हुई है बताएंगे आप? बलान आज रात में। अच्छा आज रात में है, कुत्ते नोच नोच कर खा रहे, लोग कहते हैं गौ हमारी माता है। पता ये स्थिति होनी चाहिए गौ माता की? योगी बाबा हैं आपके गोरखपुर से, सरकार भी उन्हीं की है, योगी जी की, और गौरक्षा की बड़ी बात करते हैं योगी जी। कुछ कहेंगे आप योगी जी को कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है गौ माता के साथ? हम का कहो बाबू, थकारे आदमी के सुननी बढ़ाने के। ये दादा हैं गोरखपुर के निवासी हैं, ये भी भैंस चरा रहे हैं, और यहीं इनसे मैं जब कुछ पूछने का प्रयास किया, और भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि जो भी लोग इस रास्ते से गुजर रहे हैं, कुछ लोगों से मैं रोकूंगा, उनसे बात करने का प्रयास करूंगा। देखिए अभी एक गाड़ी वाले हैं, इनसे भी मैं थोड़ा सा। गाय माता मरी हुई है बीच रोड पर, आप देख रहे हैं इसी गोरखपुर में। गोरखपुर की बात की जाती है जब तो गौरक्षा की बात की जाती है। योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं, गौरक्षा समिति के वो सदस्य भी हैं, कि गौ माता की रक्षा होनी चाहिए। क्या कहेंगे आप? क्या स्थिति इस समय? कुत्ते नोच कर खा रहे हैं, कौवे नोच कर। देख करके बहुत ही दुख हो रहा है कि बाबा गोरखनाथ की नगरी में, पूज्य योगीनाथ के राजकाज में इस तरह की यहाँ दुर्दशा है। और सबसे मेन ये जो हाईवे है, यहाँ का कोई भी केयर टेकर देख रेख वाले भी जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं, और यह इस तरह दुर्घटना का भी सबब हो सकता है। कोई मोटरसाइकिल वाले रात में अगर आए, लाइट कमजोर हो उनकी, तो लड़ करके वो भी जख्मी हो सकते हैं। तो हमें तो बहुत ही कष्ट हो रहा है। क्या कहेंगे, सिर्फ सियासत होगी गौ माता के नाम पर, या फिर गौ माता के लिए कुछ होगा भी? अब सर अब तक तो सियासतें हो रही है, गंगा भी देख लीजिए और गौ भी देख लीजिए, केवल सियासत हो रही है, बेवजह उसमें खर्चा किया जा रहा है। रिस्पांस अभी तक कुछ मिला नहीं, रिस्पांस कुछ नहीं मिला। खेत में जो है नुकसान कर रहे हैं गौ और बछड़े, वो भी लोग कहते हैं कि हाँ हम यहाँ से जो है आश्रय बनवा रहे हैं गौ आश्रय, लेकिन उसमें भी देखा जाए तो कोई मतलब वो नहीं है। गौ हैं वहाँ, खाने बिना मर रहे हैं, चारे बिना मर रहे हैं बेचारे। चलिए आप गोरखपुर से ही हैं? जी सर गोरखपुर से ही हैं। जी सर गोरखपुर के लास्ट छोर एक बढ़लगंज है, वहाँ से हम। चलिए धन्यवाद। गोरखपुर में मैं खड़ा हूँ, आखिर कहाँ है वो गौरक्षा दल वाले जो गौरक्षा की बात करते हैं? दादा आप कहाँ से हैं? यहीं से हैं, गोरखपुर से हैं दादा। अगर सबसे पहले बात की जाए उत्तर प्रदेश में, तो योगी जी यहीं से हैं, आज आने वाले भी हैं, शायद हमको सूचना मिली। योगी जी बात करते हैं गोरक्षा की, और उनके यहाँ ऐसे हालात हो रहे हैं। अच्छा मिला क्या? देखिए खेती बाड़ी माल जब लबारिश हो गया तो घूमबा करेगा, कहीं भी पेट नहीं भरेगा तो जाएगा, रोड पर जाएगा,
केरा खाएगा, खेत खाएगा, तो ये रोड पर है तो उनके मरे खाइए है। कब की? अच्छा, ये कब का? अब हमको मालूम नहीं, रात उत में होगा कब वो। हाँ चलिए, देखिए डीएम साहब से बात हुई है, गोरखपुर के जो डीएम हैं के ऑफिस में बात हुई, तो उन्होंने कहा कि चलिए देखते हैं, अब देखते हैं कि आखिर क्या होगा। और भी कुछ वाहन वाले गुजर रहे हैं, देखते हैं भाई। अच्छा, ये शायद इनको कोई समस्या नहीं है, ये गुजर गए। देखिए ये लोग शायद जिम्मेदार इनको हम नहीं कह सकते, ये गैर जिम्मेदार हैं, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, इसी रास्ते से गुजरेंगे। क्योंकि तमाम सारे ऐसे मैंने गाड़ियां देखी यहाँ पे ब्लॉक प्रमुख तक गुजरे, और वो जब उन्होंने देखा कि शायद हमारा माइक देखे, तो वो भी तुरंत निकल गए, सन्न से इधर से भागे कि शायद कहीं हमसे सवाल ना कर दिया जाए कि आखिर बताइए, क्योंकि बीजेपी का झंडा उस पर लगा था और मैं गोरखपुर में खड़ा हूँ। सबसे बड़ा सवाल यही है कि मैं गोरखपुर में खड़ा हूँ। चलिए देखते हैं, डीएम से बात हो चुकी है, आखिर क्या कुछ होता है। मैं अभी कुछ समय और इंतज़ार करूँगा यहाँ पर। जैसा कि हमने आपको दिखाया कि इस फोर लेंथ रोड पर गोरखपुर में एक गाय का एक्सीडेंट हुआ है, और गाय का एक्सीडेंट होने के बाद यहाँ पर कुत्ते और कौवे नोच नोच कर खा रहे हैं। तो इस विषय में हमने जब डीएम से बात किया, तो डीएम साहब ने कहा कि चलिए देखते हैं। तकरीबन एक घंटे हो गया लेकिन कुछ देखा नहीं गया। फिर हमारे मन में आया और मैंने 112 नंबर पर डायल किया, और अभी 10 मिनट के अंदर यहाँ पर 112 नंबर की टीम पहुँच गई है। बातचीत चल रही है, संबंधित अधिकारियों से बातचीत वो लोग कर रहे हैं, पूरी टीम उनकी लगी हुई है इस चीज़ पर। आगे क्या कार्रवाई होती है मैं आपको दिखाऊँगा ज़रूर। मैं आपको बता दूँ कि मैं जहाँ पर खड़ा हूँ यहाँ पर तकरीबन 3 घंटे से खड़ा हूँ, और जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि क्यों मैं खड़ा हूँ। डीएम साहब के पास जब फ़ोन लगाया गया, उन्होंने कहा कि चलिए देखते हैं, लेकिन उनके पास से कोई अभी तक रिप्लाई नहीं आया। लेकिन 112 नंबर हम लोग बुलाए, तो 112 नंबर 10 मिनट में यहाँ पहुँची, और उन्होंने जो भी कार्रवाई हुई अधिकारियों से उन्होंने बातचीत किया, उसके बाद खुद वो जाकर जेसीबी को यहाँ पर लाए हुए हैं। जेसीबी यहाँ पर आ चुकी है, और जैसा कि आप हमारे पीछे देख रहे हैं, जेसीबी चल रही है, गड्ढा खोदा जा रहा है, और गाय का जो है बस अभी कुछ क्षण बाद अंतिम संस्कार की प्रक्रिया संपन्न होगी। और जैसा कि मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश की पुलिस की जो कहीं ना कहीं आप लोग देखते होंगे कि उनकी भी छवि ख़राब होते देखे होंगे, वहाँ पर क्या हकीकत होता है ये तो हमें नहीं पता। बट अगर मैं यहाँ की बात करूँ, गोरखपुर की जो भी पुलिस 112 नंबर पे हम लोगों ने बुलाया, उनके द्वारा बड़ा ही सराहनीय कदम यहाँ पर देखने को मिला, पूरे तरीके से हम लोगों की सहयोग किया उन लोगों ने। तो बिल्कुल आप लोग वीडियो देखकर कमेंट जरूर करिएगा, और ऐसे खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद।